हमारा वातावरण है इसमें हर चीज से पार्थिव आदमी को तो बड़ी बीमारी हो रही है। वो बड़ी बीमारी शरीर का रोग है या कोई और चीज है या पूरे जन्म का कर्म है या कोई चीज है। हर किसी जो थे आदमी पार्थिव आदमी बड़ी बीमारी परेशानी बाइक सुनिए बैठो बैठो जाना हो तो जाइए ठीक। मैंने कहा कि कुएं में जब भांग पड़ जाए तो भंगेरी ना भी हो उस कुएं का पानी पिएकर उन्मत्त तो होगा नशा का आनंद तो लेगा या नशा के वशीभूत तो हो जाएगा या जो शरीर है पृथ्वी जल तेज वायु का कार्य है हम लोग आकाश का भी कार्य मानते हैं लेकिन वैदिक अवैदिक आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत शरीर के उपादान मूल मैटर या धातु कारण पृथ्वी जल तेज वायु और महायंत्रों का जब प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो ये चारों विकृत दूषित और क्षुब्ध या कुपित हो जाते हैं। देख सकते हैं वैज्ञानिकों की राय ले सकते हैं। आज पृथ्वी ऊर्जा के स्रोत हमारे शरीर का उपादान कारण विकृत दूषित और क्षुब्ध या कुपित है। जल की भी वही दशा है तेज की भी वही दशा है वायु की भी वही दशा है। ऐसी स्थिति में जब शरीर के उपादान ही विकृत हो गए पृथ्वी का कार्य अन्न उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पानी हमको पीना ही पड़ेगा सांस हमको लेना ही है और उष्मा गर्मी हमको लेना ही है। समष्टि से तादाद अच्छा प्रचुर आकाश हो तो घूम सकते हैं और 10-10 मंजिल का भवन 25-25 मंजिल का भवन परिस्थिति यह है कि हिलजुल भी ठीक से नहीं सकते। महानगर में तो क्या भ्रमण भी ठीक से नहीं हो सकता है। तो जब जिनसे हमारा शरीर बना है उन्हीं तत्वों को महायंत्रों का स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करके विकृत दूषित और क्षुब्ध बना दिया गया। वर्षा के स्रोत वन को काट दिया गया पर्वत को काट दिया गया यज्ञ की सामग्री विलुप्त हो गई उत्तम दवा जड़ी बूटी इनका विलोप कर दिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि हर व्यक्ति रोगी डॉक्टर भी रोगी मरीज भी रोगी और जो दवा दी जाती है वो भी रोगी समझ गए ना। अब आयुर्वेद की दवा हो जड़ी बूटी में घुन लगे हों सरे गले हों उनसे जो दवा बनेगी और स्वयं भी वो रोगी वो भी रोगग्रस्त मरणासन दवा भी मरणाग्रसन भोजन भी मारने वाला जल भी मारने वाला। अच्छा ये गैस से भोजन बनता है पेट में गैस बन नहीं है गैस कांड हो नहीं है सीधी बात। अच्छा फिर स्वस्थ रहने के लिए जो वातावरण चाहिए पर्यावरण पृथ्वी जल तेज वायु शुद्ध हो व्यक्ति का संकल्प शुद्ध हो निश्चय शुद्ध हो रूप भव्य हो तन में मन शिव संकल्प मस्तु भद्रम करने भी भद्र श्रवण भी नहीं भद्र मनन भी नहीं भद्र दर्शन भी नहीं कहाँ तक आँख मीच के व्यक्ति रहे कान को बंद करके रहे सब कुछ विकृत कर दिया गया तो स्वास्थ्य कहाँ से टिका रहेगा। तो रोगी भी रोगी डॉक्टर भी रोगी। एक मैं बहुत अभी कहीं पर इन्होंने हमारी आँख टेस्ट करने के लिए डॉक्टर को बुलाया तो हम तो दुकान पे गए नहीं उनके हॉस्पिटल में वहीं किया। वो स्वयं बहुत पावर के चश्मा लगाए हुए थे वृद्ध थे तो बेचारे को आँख टेस्ट करने में ही कठिनाई हो रही थी। हमने सोचा इन्हीं
आईएएस स्पेशलिस्ट की आंखें ही स्वयं बहुत कमजोर थी। अब उनका दोस्त नहीं थे, बहुत अच्छे जानकार। तो हमने कहा कि जो रोगी को ठीक करने के लिए डॉक्टर आते हैं उनको भी 10 बीमारी। तो वातावरण कलुषित किया गया है, उसका मूल कारण क्या है? विकास को वैदिक विधा से न परिभाषित करना ये लोग जानते, न क्रियान्वित करना जानते। कुछ एक और तथ्य है, जो वैज्ञानिक होते हैं वो यदि व्यापारियों के चपेट में न आवे तो उनका विज्ञान ठीक ठीक काम करता है। लेकिन पूरा क्या हुआ, वैज्ञानिकों को दिशाहीन व्यापार, दिशाहीन शासन तंत्र के चपेट में ला दिया गया। इसलिए वैज्ञानिक जानते हैं कि गलत हो रहा है लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ध्यान गया या नहीं? विज्ञान और वैज्ञानिक को दिशाहीन व्यापार और दिशाहीन शासन तंत्र के अधीन कर दिया गया, इसलिए भी बहुत विस्फोट है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक दो साल पहले, दो साल तीन साल पहले की बात, रूस के एक व्यक्ति ने सबसे पहले गन रिवाल्वर का आविष्कार रूस के एक व्यक्ति ने किया, रूस के व्यक्ति ने। और बुढ़ापे में क्या रो या मारूं मैं, शरीर छोड़ने के पहले उस व्यक्ति ने क्या रुदन किया? उसने कहा कि मैंने तो अपने देश की रक्षा के लिए इसका आविष्कार किया, अब इसका जो दुरुपयोग हो रहा है विश्व में, अगर मुझे पहले से इसका कुछ अनुमान होता मैं कभी भी इस गन का क्या करता, आविष्कार नहीं करता। क्या हुआ, इसका कभी भी आविष्कार नहीं करता। ऊंचे ऊंचे वैज्ञानिक राष्ट्र की रक्षा के लिए परिस्थिति बस कुछ आविष्कार करके देते भी हैं, समझ गए, तो बाद में वो भी रोने लगते हैं कि हाय मैंने इसलिए अब इसका आविष्कार किया था। आविष्कार तो करते हैं लेकिन दिशाहीन व्यापार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र के शिकंजे में आकर के वैज्ञानिक भी दिशाहीन हो गए। और अंत में हमारे पास तो सूचना नासा आदि के वैज्ञानिकों की ओर से है कि पूरा विश्व मर रहा है। अभी कुछ ये एक जगह अहमदाबाद में, या कहाँ, एक वैज्ञानिक रिटायर अहमदाबाद में, उनको हमने कहा कुछ बोलने के लिए, वो एक प्रकार से रोने लग गए। उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं पूरा विश्व इसको अंदर अंदर मान रहा है, देश विश्व ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, विस्फोट विस्फोट, सब मरेंगे, सब कटेंगे, सब बीमार। गलत ढंग से विश्व की संरचना की गई, क्योंकि वैदिक विधा को ठुकरा करके भौतिक विधा से, वेदविहीन विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का यह अनुताप है। एक दो प्रश्न और बस।